वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्यादातर सारे के साथ ल्यूपिन पहला, अब ये बहुत पिटा हुआ है। साल की चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। 1200-1300 वाला वैसे ही 680 पे ट्रेड कर रहा है और 670 तो इसके साल के लोज है। अगर ये लाल में जा रहा है तो ये नए साल के लोज बनाता हुआ नजर आएगा, प्रीवियस लोज को ब्रीच करता हुआ नजर आएगा और मुझे लगता है ऐसा हुआ तो पैनिक थोड़ा सा और बढ़ेगा। और क्यों होने वाला है ऐसा, इसका भी रीजन समझिए। कल जो नंबर्स आए, कोई रिस्पाइट है ही नहीं ल्यूपिन में। पता नहीं क्या गड़बड़ाता जा रहा है इस कंपनी के साथ, क्यों अपने प्लांट्स का रिजोल्यूशन नहीं करा पा रहे, कितने सालों से मामला फंसता ही चले जा रहा है। खैर, नंबर्स कमजोर हैं, कमजोर आय के फ्रंट पे, कमजोर मार्जिन्स के फ्रंट पे, या फिर जो एनालिस्ट देखते हैं बहुत ज्यादा यूएस का बिजनेस परफॉर्मेंस उसके फ्रंट पे। कोई रिस्पाइट इसलिए मैंने कहा नंबर्स में नहीं है। आय केवल 3% साल दर साल बढ़ी, कम से कम 8% बढ़ने का एस्टिमेट था। रेवेन्यूज की कहानी है, यूएस सेल्स 10% क्यू ऑन क्यू गिर गई, $200 मिलियन के एस्टिमेट के सामने 180-181 मिलियन ही कर पाया ये कंपनी। तो दोनों में मिस, चाहे वो रेवेन्यू में भी यूएस सेल्स का कंपोनेंट हो। और तीसरी बात मार्जिन्स, रिपोर्टेड मार्जिन्स तो खैर 8.9 से घटकर 6.9, 300 बेसिस पॉइंट क्यू ऑन क्यू उड़ गए। एडजस्ट करूंगा उसको तो भी ऐसी हाल है, हालांकि नंबर बढ़ जाएगा 13.7 से 10.2%, फिर 300 बेसिस पॉइंट का। तो इधर वेज एडजस्ट करूं ना करूं, रिपोर्टेड मार्जिन देखूं, इरोजन उतना ही आपको नजर आएगा। तगड़ा प्राइसिंग प्रेशर झेल रही है यूएस में, ऊपर से इन्फ्लेशन इनके इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहा है, फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कतें काफी हैं ल्यूपिन में, पर बहुत पिटा हुआ स्टॉक है इसलिए जरा देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। पर लॉजिकली तो लाल ही रहना चाहिए क्योंकि इसमें रिस्पाइट है नहीं। आई डाउट कोई एग्रेसिवली इसमें बिल्ड डाउन करना चाहेगा पोजीशन एंड लेवल्स पर इस तरह के नंबर्स के बाद। एक पॉकेट जो